मुश्किल से बचा सकती हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए, जनरल सेफ्टी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फायर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान जनाब तारिक मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। तारिक साहब, घरों में आप कॉमनली क्या मिस्टेक्स होते हुए देखते हैं? जो घरों में ना छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, और वी इम्पोर्ट दी लग्जरी, वी इम्पोर्ट दी एयर कंडीशनर, वी हैव गुड रूम हीटर्स, वी हैव गुड किचन, गुड ओवन्स, गुड स्टोव्स, बट अनफॉर्चुनेटली वंस वी आर इम्पोर्टिंग दिस थिंग्स और प्रोवाइडिंग दिस कम्फर्ट टू द फैमिली, वी फॉरगेट टू ब्रिंग द सर्किट ब्रेकर। एयर कंडीशनर हम ले आते हैं, सर्किट ब्रेकर उधर छोड़ आते हैं। हम वॉल पैनलिंग दीवारों पर लगा लेते हैं, कालीन बिछा लेते हैं, फॉल सीलिंग लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे स्प्रिंकलर, स्मोक अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर्स को इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली हमें अपने आराम से साथ नंबर्स मौजूद होंगे, अगर ऑफिसर्स की बात की जाए, फैक्ट्रीज की, वो तो बाय डिफॉल्ट अपनी सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने शायद ये तदाबीर की हो। घरों में तनासब देखा जाए तो क्या होगा? ऑफिसर्स में भी मैं अर्ज करूं कि जो ऑफिसर्स मल्टीनेशनल्स के हैं या जिनको जो कि आंसरेबल हैं अपने जिनको वो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल्स उन्हें कहते हैं कि आप लोकल लॉस पे अमल करो और ये एक्सटिंगशर लगाओ, अलार्म लगाओ और एक्सटिंगशर ट्रेनिंग उसके लो, एक्सरसाइज करो। लेकिन हमारे लोकल जो लॉज हैं अब मौजूद हैं, बिल्डिंग कोड भी मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मल्टीनेशनल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज भी सेफ हैं, उनको वो ये भी कहते हैं कि जी जब आप गाड़ी चलाओ, अपनी जाती गाड़ी भी चला रहे हो बच्चों के साथ, तो स्पीड लिमिट को ऑब्जर्व करो। तो अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस जो अब आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में आप देखें, अभी आप अखबार आज का भी खोलने लिखा होगा, कोयटा में दम घुटने से दो अफराद हलाक, और मरी में ये हो गया, दुल्हन दूल्हा जो है उनको उनकी जान चली गई। तो आजकल जो आधे से ज्यादा फायर्स हैं विंटर फायर्स, दोज आर बिकॉज ऑफ द स्पेस हीटर्स, रूम हीटर्स। रूम हीटर्स ये इलेक्ट्रिक के भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं और कोयले के भी हो सकते हैं। इसमें एहतियात जो है, सेफ जो है वो अगर हम ब्लोअर हीटर यूज करें ना, सेफेस्ट है रेडिएटर्स, कि बाहर कमरे में रेडिएटर लगा और बाहर बॉइल वाटर हो रहा है और वो बॉइलिंग वाटर कमरे में आ रहा है, और दैट इज द सेफेस्ट मोस्ट। फिर ये कि अगर हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स लगा रहे हैं तो रॉड हीटर, जो एलिमेंट जिसमें जलता हुआ अंगारे जैसा नजर आ रहा है, तो उसकी जगह पे अगर हम ब्लोअर हीटर लगाएंगे, और जब हम हीटर खरीदें तो सस्ता वाला ना खरीदें, महंगा खरीदें, और जो उस पर हिदायत लिखी हुई है, ख्वाह वो हीटर है या गीजर है या ओवन है, उस पे उन हिदायत को पढ़ें कि मैन्युफैक्चरर्स ने लिखा हुआ होता है कि इसको ऐसे चलाना है, इस वक्त ऑन करना है। अगर इसको मजीद मेरे व्यूअर्स के लिए आसान करें, अक्सर लोग जैसे सोने से पहले आपने हीटर ऑन किया है और कमरे में काफी लोग मौजूद हैं, जब जैसे आपने खुद दम घुटने के इंसिडेंसेस का हवाला दिया, तो क्या सोने से पहले हीटर को ऑफ करना चाहिए? 100% इसके बगैर सोने ही नहीं चाहिए। सोने से पहले एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे जो है उस दौरान तो आप हीटर को ऑन करें, कमरे को अच्छी तरह गर्म कर लें, और फिर बाद में रजाई लेके सो जाएं। और जिस वक्त हीटर जलाने लगते हैं, माचिस से हम जला रहे हैं, तो उस वक्त कमरे के दरवाजे या नियरेस्ट खिड़की कोई खुली होनी चाहिए, और बाद में आप उसको बंद कर लें, लेकिन सोने से पहले बंद करना लाजमी अमर है। बाज जगहों पे गैस की लोड शेडिंग भी होती है, तो गैस चली जाती है, फिर वो गैस आ जाती है, तो उससे दम घुट जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि ये वाकई अगर वो गैस का जो आने का लेवल है, जो सप्लाई है वो कम हुई, तो हो सकता है जो फायर या फ्लेम या शोला है वो बुझ जाता है, लेकिन जब दोबारा यू नो उसकी सप्लाई बहाल होती है तो पूरे कमरे में गैस भर सकती है। ये हमने कहाँ से यू नो किसका ये ब्रिलियंट आइडिया था कि चले हीटर ना भी हो तो चूल्हा ऑन करके छोड़ दिया जाए और उससे घर गर्म? स्टूपिड आइडिया, एंड वी आर द स्टूपिड्स। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो हम बताने वाले हैं ना, हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें पता है, हम लोग शायद जिस लेवल पे अवेयरनेस देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें जो मीडिया है, इट इज वेरी गुड कि आपने टाइमली ये प्रोग्राम किया है, सर्दियां शुरू भी हुई हैं, और जो आधी से ज्यादा फायर होती हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, जो कि कमरों में रूम हीटर्स की वजह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रूम हीटर्स को कमरे में कम से कम 3 फीट दूर रखना चाहिए किसी भी जलने वाले मटेरियल से, जो ये सोफा भी हो, लिहाफ, आपके आपका आपका सोफे, पर्दे, हर तरह की चीज है, किसी भी कपड़े से, कागज से या प्लास्टिक से, जलने वाली चीज से हमारा हीटर 3 फीट दूर होना चाहिए। ये तो हम रूम्स की और घरों की बात कर रहे हैं। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जाहिर सी बात है सर्द रातें हैं, चौकीदार, सिक्योरिटी अमला रात भर जब बाहर होते हैं, दे लाइट लिटिल फायर्स, यानी छोटी छोटी जगह पे आग भड़का
डाली जाती है और बड़ा अच्छा मंजर दे रहा होता है, दे फील वेरी गुड, लेकिन हम इर्द गिर्द गुजरने वाले भी नोटिस कर सकते हैं कि जहां आग जलाई गई है वो सेफ जगह नहीं है, वो हो सकता है किसी बिजली के खंभे के नीचे आपने कर दिया हो, या जैसे आपने खुद कहा कि कम्बस्टेबल मटीरियल्स करीब पड़े हुए हैं, हमें क्या रोक के उनको हिदायत देनी चाहिए किस तरह जो बाहर आग जला के हाथ तापने का जो मजा है ना, वो सर्दियों का अपना मजा है। अगर कमरे में भी हीटर जलाते वक्त हमें खिड़की छोटी सी खुली रखें तो जो ठंडी हवा और जो गर्म का जो एम्बियंस होगा वो जबरदस्त होगा, लेकिन जब हम बाहर ये आग जला रहे हैं तो कम से कम 10 फीट तक, जो कि स्टैंडर्ड है, 10 फीट तक दूसरी जलने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, और जब हम उसको खत्म करें तो उस ऐश को भी हमें 10 फीट दूर किसी मेटल के बिन में बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हवा चली वो जाहिर तौर पे वो आग बुझ गई है लेकिन उसकी चिंगारियां उड़ के कहीं भी जाके आग लगा, तो उसको भी बंद करना और ढांपना और कवर करना जरूरी है। इसी से अगर लिंक में दूसरा सवाल करूं, सर्दियों के मौसम में हम अक्सर देख रहे हैं कि तकरीबात में भी बारबेक्यूज हो रहे हैं या लोग खुद अपना बारबेक्यू अरेंज करते हैं, वहां पर भी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज्यादा सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। नॉर्मल तकरीबात में अब देखें वो स्प्रिट लैंप जल रहे होते हैं तो वो हैजर्डस है। अच्छा, फिर ये है कि जो कैंडल्स हम यूज कर रहे होते हैं, कैंडल लाइट्स, तो ये इस तरह सेफ होना चाहिए कि ठोकर लगने पे भी ये गिरे नहीं और गिर के तेल और आग को फैलाए नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की, अभी हाल ही में हम लाहौर में मौजूद थे और वहां पे एक तकरीब में, जाहिर सी बात है आजकल बड़ा फैशन है कि वो हीटर्स, कोई गैस के हीटर्स होते हैं, सिलेंडर से भरते हैं, जब शुरू शुरू में वो नए आए होंगे तो उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जो वो इतने रफ इस्तेमाल में होते हैं, रोज रात ही तकरीब आते हैं, उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं किया जाता। मैंने अक्सर नोट किया है कि इन हीटर्स में से आपको बाकायदा गैस की, सिलेंडर की स्मेल आ रही होती है। तारिक साहब, गैस की स्मेल आ रही होती है, प्लस ये इनके जो नोजल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और एयर और कम्बस्टेबल वेपर का या गैस का जो रेशियो है वो कायम नहीं रहता, तो शोले की शक्ल भी, इट्स अ डिजास्टर रेडी टू हैपन, क्योंकि वहां तकरीब में इतने लोग मौजूद हैं, फायर सेफ्टी एग्जिट प्लान आपने कोई बनाया नहीं है, कैनोपीज जो हमारी हैं वो सारी यू नो कम्बस्टेबल हैं, फिर इसके अलावा इतने ज्यादा बच्चे वहां पे भाग दौड़ कर रहे होते हैं, किसी को यू नो दे कैन पुश अ हीटर डाउन, ये सब चीजें। आपने चार चीजें जो मेनली कही, एक तो ये कि जो यूज कर रहे होते हैं तो उसमें अब जैसे सर्दियां है ना, गर्मियों में जब गर्मी आने लगती है आप एसी की सर्विस कराते हैं, हैव यू एवर गॉट योर ओवन और स्टोव और स्पेस हीटर सर्विस बिफोर दी विंटर और नॉट? जब वो खराब होते हैं तभी होता है हमारे यहाँ। तो लेकिन अब ये है कि उसको पहले करा ली, क्योंकि आपने कहा ग्रीस, उसमें ग्रीस जम जाती है, हुड में भी जम जाती है, नोजेस ब्लॉक हो जाते हैं, शोले का रंग चेंज हो जाता है और आग उसमें फैल सकती है, तो उसको, और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जरूरी और ऑथराइज क्वालिफाइड प्रोफेशनल से उसकी सर्विस करानी चाहिए। बच्चों की आपने बात की, आपकी तीनों बातों में बच्चों की आपने बात की, तो बच्चों को किचन में जाने की इजाजत किसी से? मैं तो तकरीबात की बात करी, मैं वही आ रही थी कि इस वक्त बड़ा फैशन है कि जी लाइव कढ़ाई होगी वो उसी वक्त कुछ गर्म गर्म पूरियां तली जाएंगी या फिर लाइव तंदूर होगा, गर्मा गर्म नान उसमें निकल रहे हैं, ऐसे मजमे में जहां 200-250 आपके गेस्ट मौजूद हैं, ये कितना अनसेफ है, बहुत खतरनाक है, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाहर मुल्कों में जब इस तरह का बारबेक्यू करते हैं तो उसको कॉर्डन करते हैं और जो उसकी पाइपिंग है गैस की, गैस के कनेक्शन वो मुनासिब होते हैं, यहाँ तो उसने कढ़ाई लगा ली और गैस का सिलेंडर इतना बड़ा साथ लेके बैठ गया और उसका लूज पाइप जिसमें से गैस भी आफी। अच्छा, इस रास्ते को फिर कॉर्डन इस तरह से करना चाहिए कि बच्चे या कोई भी आता जाता उस तरफ आ ही ना पाए, कि बच्चे तो आपने सही कहा कि शादी ब्याह में भाग रहे होते हैं और बल्कि आप उन्हीं को भेज देते हैं, कभी आप कहते हैं बेटा जाओ दो गरम नान लेके आ जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर पर वो लोग जो तकरीबात अरेंज कर रहे हैं, देखें आप छोटी चीजों पे आपकी खुशी है, आप लोगों के साथ खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके आने वाले मेहमान भी आपकी खुशियों को दुबाला करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना भी सेफ्टी का ख्याल कितना होता है मैं बताऊं कि मैं मस्कत में रहा तो वहां मैं खुद फायर ऑफिसर इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजर, लेकिन जब हमने एक प्रोग्राम किया एक होटल में और अपनी एक एक्सरसाइज की तो वहां पे हम एक पोर्टेबल जनरेटर भी ले गए थे। अच्छा, वो जनरेटर क्योंकि भारी था, उसकी गाड़ी नहीं थी, तो हम वो छोड़ा है कि शाम को उठा लेंगे, शाम को 5 बजे उधर पुलिस वाले आए क्योंकि रात को वहां 600 लोगों का कंसर्ट हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जनरेटर इस पब्लिक प्लेस पे लूजली कौन छोड़ के गया, उसको लाओ, हम उसको दे कुड हैव अरेस्टेड। और यहाँ पे देखें हम अपनी तकलीफ के लिए बैकअप में जनरेटर्स लाते हैं, वो कहाँ लगे हुए हैं, किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी के साथ गाड़ी आ रही है, उसी के साथ वैले है, यानी इंसानी जान के हम कितनी कदर करते हैं हमारे सामने। प्लीज इतने तमाम लोग मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तकरीबात को अरेंज करते हैं, आप अभी बात कर रहे थे तारिक साहब, इसी बात पे एंड करना चाहूंगी, मुनाफिकत देखिए या हम इसको अलग अलग जिस तरह कर देते हैं चीजों को, जिन चीजों का ख्याल अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में रहते हैं
करते हैं, अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स में करते हैं, अपने शादी ब्याह के मामले में कहते हैं नहीं जी यहां तो ऐसे ही चलता है, ना हमने ये सेफ्टी मेथड्स को देखा, ना एग्जिट कोई अपनी स्ट्रेटेजी रखी। अगर आप 250-400 मेहमानों को बुला रहे हैं तो वहां पर कोई फायर एक्सटिंग्विशिंग का भी निजाम नहीं होता। इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म होता है। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। कि हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट और एक स्मोक अलार्म जरूर होना चाहिए, और ये 5,000 रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फॉर आवर फैमिली दिस इज अ मस्ट। आई थिंक दिस शुड बी देयर इन एवरी हाउस, लेकिन किसी बड़ी तकरीब को अरेंज करते हुए भी इन चीजों को अपने जहन में जरूर लेके आए। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।